असलकम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से मैं जा रही हूँ जी इस टाइम लेने के लिए अपने लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए जुबान के... <सथ> को पता नहीं क्या <सथ> मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए जा रही हूँ एक्डोनल्ड से और जिम शिम सब कुछ खाली है करोना की वजह से आपको पता है करोना स्टिल अभी तक हम सब के मौजूद है नहीं जान छोड़ा और दुआ है कि छोड़ दे जान अच्छा जी तो मैं गई जब नीचे गई तो मुझे पता चला कि लिफ्ट जो थी वो ख़राब थी वहाँ पे फिर मैंने वेट किया फिर मैं दूसरे रास्ते से गई फिर मैंने नीचे मम्मा को कॉल की मैंने कहा मम्मा मुझे अकेली को डर लगता है आप मेरे साथ हैं तो क्योंकि वहाँ से तो सीधा हम चले जाते हैं वहाँ से फिर मैं दूसरे रास्ते से गई मम्मा के साथ गई फिर वहाँ जाते सार सबसे पहले मैंने आइसक्रीम कौन ली क्योंकि उन मेरा जो था ना अभी ऑर्डर मुझे मिलने में काफ़ी टाइम था तो फिर मैंने जो है ना उतनी देर कौन इन्जॉय की सुबह सुबह तो सुबह सुबह नाश्ते भी मैंने कौन खा ली लेकिन बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैंने बड़े दिनों बाद जो है ना ट्राई की वो दिनों बाद खाई तो जी मेरा जो है मिल गया मुझे अच्छा मैं अंदर कब से ना खड़ी हो कि उनके बिल्कुल सामने जहाँ पे उन्होंने मुझे कौन दी ना बिल्कुल ना उनके टेबल के पास ही ना जहाँ पे बिल्कुल खड़े होने की इजाज़त नहीं मैंने वो किसी से नहीं पूछा मैं उधर ही मास्क उतार के अपनी कौन आराम से मज़े कर रही थी वो कब से मुझे आवाज़ें दे रही थी मैंने एकदम देखा और मुझे कहती बाहर जा के आपको वेट करना फिर मैं बाहर आई और यहाँ से फिर मैंने जो है अपना लिया और आप ये देखें आजकल सुना है आईफोन एलेवन आई थर्टीन जो है वो प्रो जो है भैया आ गया अब तो इस इस शॉप पे मैं देख रही थी आया हुआ था मैं दूर से देख रही थी ये जब भी मैंने आपको शॉप दिखाई है ना तो कुछ शॉप्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खुल गई हैं थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है यहाँ पे ये यह कोरोना के हवाले से तो ये दुकान ना मुझे इतनी याद आती है ना आ, मैं और यहाँ पर ना इतनी महंगी जो है ना तीन सौ चार सौ रिंगट जो थे ना उस उस उस, उस तरह की ना इनके प्राइस होते थे तो अब जाहिर सी बात है इंसान ने एक बार कपड़े पहनने होते अब तीन सौ चार सौ रिंगट में कितने ज़्यादा कपड़े आ जाते पाकिस्तानी तो लेकिन ना कहीं इतने प्यारे होते थे ना कि दिल करता था चले <laughs> तो हम बड़ा एक दूसरे का ना मजाक करती थी तो इंतज़ार में मेरे ख्याल से मेरे चार साल गुजर गए कि किसी दिन तो ये सेल लगाएंगे और मैं जा कर लूँगी तो अच्छा जी तो मैं मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं वापस आई वहाँ की लिफ्ट भी खराब थी पहली मैंने आपको बताया जब मैं दूसरी साइड से होकर आई मैं दूसरी साइड पे गई वहाँ पे क्या हुआ कि ना इस टाइम होता है उनकी ना लिफ्ट जो है ना क्लीन करने का टाइम होता है वो पहले एक फ्लोर पे रुकी दूसरे पे रुकी तीसरे चौथे पाँच पे रुकी जा रही थी रुकी जा रही थी वो मैंने उधर से मैंने चेंज कर ली मैंने वहाँ से जाके कहीं और गई वहाँ पर भी यही को हो रहा था फिर मैं दूसरे रास्ते से जा शुक्र है कि मैं घर पहुँच गई और पहुँचते पहुँचते मेरा जो था ना नाश्ता जो था बिल्कुल ठंडा हो चुका था और हैश प्राउन भी बिल्कुल क्रिस्पी नहीं था रहा और इस तरह कौन खाता है इस तरह ना बड़ा मज़ा आता है हैश प्राउन बीच में रख के इसके अंदर सॉस वगैरह अगर आपके पास घर में कोई नेंडोस का या बाकी कोई भी सॉस पड़ा ना वो भी डाल के खाया करें बड़ा मज़ा आता है तो जी मैंने फिर अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय किया और इन्जॉय करने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर सो गई सोने के बाद ना आ, हमारे घर आ जाना था हुमरा बाजी हैं हमारी ना इधर सामने ही, बिल्कुल हमारे सामने वाले ब्लॉक में ही रहती हैं तो उन्होंने आना था तो उन काफ़ी देर हो गई थी उनके घर ना माशाल्लाह से बेटी हुई थी तो जब से हुआ था कोरोना था उस वजह से फिर हम ज़्यादा मिल भी नहीं सके फिर मैं उन्होंने मैंने मैं भी आ, उनके उनकी बेटी के साथ ज़्यादा नहीं मिल सकी ना खेला ना उसको ज़्यादातर पकड़ा तो फिर वो लोग आ गए उन, वो उनके हस्बैंड उन साथ उनकी बेटी थी तो माशाल्लाह बेटी इतनी प्यारी थी और मुझे बड़ी कुमैल की याद आई मैंने बड़े दिनों बाद जो था बच्चा पकड़ा तो मुझे बड़ा मज़ा आया उसके साथ इंजॉय करके तो मैं यहाँ पे उन्हीं के लिए बना रही हूँ यहाँ पे मैंने चिकन कढ़ाई बनाई जो उनको बहुत मज़े की लगी सबको मुझे भी बड़ी मज़े की लगी अच्छा कढ़ाई में मैंने ना बिल्कुल वो सिंपल तरीके की बनाई थी कि मैंने प्याज ब्राउन करके उसके अंदर मैंने डाल दिया गोश्त डाल के उसको अच्छी तरह भून के उसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा सा सूखा धनिया फिर नमक फिर काली मिर्ची सबको डाल के उसको थोड़ी देर के लिए भून के थोड़ा सा पानी डालकर हरी मिर्ची और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ले इसको अच्छी तरह भून लिया इसको फिर मैंने भूना तो देखिए आपके कितना मज़े का लग रहा है और ये बहुत ही मज़े का बना था बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बनाया था लेकिन अक्सर ऐस तरह होता ना कि हम हम बस अब इतना ध्यान नहीं होता किसी चीज़ में लेकिन वो अच्छी बन जाती है और अक्सर हम बड़े दिलो जान से वो चीज़ बनाते हैं लेकिन वो अच्छी नहीं बनती तो ये अच्छी बन गई इतना मतलब मैंने ध्यान नहीं था दिया लेकिन अच्छी बन गई साथ मैंने बनाया था जी चावल मैंने बनाए थे पुलाव बनाया था लेमन का और तो और क्या आगे पीछे बातें हो जाती हैं तो ये भी बहुत मज़े के बनी थी इतना इसमें परफेक्ट नमक था ना कढ़ाई में और चावलों में मतलब मुझे पहले जब मैं शुरू शुरू में बनाती थी तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी दम की भी होती थी कि मैंने दम कैसे देना है और साथ मुझे होता था कि मेरा नमक या तो ज़्यादा तेज़ हो जाता था या ज़्यादा कम ही रह जाता था या मैं मम्मा को खाती थी तो इस बार जो है अलहमदिल्ला मेरी कढ़ाई भी जो थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी उसमें भी मुझे नमक आ गया और चावलों में जो तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो भी आ गई है बाहर से इतना शोर आ रहा है तो वो भी बिल्कुल आप देखें कि किस तरह खिले खिले चावल बने एक एक चावल जो है ना अलग था एक दूसरे से तो अक्सर अक्सर तो वैसे मुझे अच्छे लगते हैं वो जिस तरह होता है ना थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दो तो वो ज़रा नरम नरम चावल भी मज़े के लगते हैं लेकिन वो कभी कभी लेकिन दावत वग़ैरह हो या किसी ने आना हो तो इस तरह एक एक चावल जो है ना अलग अलग और बड़े मज़े का पुलाव और बिरयानी कुछ इस तरह से बने तो मज़ा आता साथ था हमने रायता बनाया था रायता में मैंने रायते में जो था मैंने खीरे प्याज टमाटर सब कुछ वही काट के डाल दी वो तो आपको पता ही है साथ कल हमने बनाए थे पाए बकरे के वो भी हमने कल के पड़े हुए थे क्योंकि एक बार ममा ने निकाल के रखा हुआ था तो मेरे ख्याल सुबह बनाए थे सुबह के टाइम या पता नहीं कल बनाए थे मैंने मैं तो पाए खाते नहीं मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं तो बस इस तरह से हमने इन्जॉय किया शादी यहाँ पर अब हो रही है चाय तैयार हो रही है अली जाफ़र ने सारे इसमें मिर्च मसाले डाले थे तो ये नाम अली जाफ़र को क्रेडिट जाता है बहुत ही मज़े की बनी थी बस इसको जो है ना वो इसको अच्छी तरह मैंने बॉयल दिलाए इसको अच्छी तरह वो कहता है ना चंगी तरह काट के तो वो मैंने इसको बड़ा अच्छी तरह इसको कड़क कड़क सी चाय हो तो फिर भी मज़ा आता है चाय पीने का सो आई होप कि आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़